मार्ग दुर्घटना में घायल ईमानदार के साथ पहुंचे युवकों ने डॉक्टरों से जमकर अभद्रता की। लगभग घंटे तक नशेड़ी युवकों ने जमकर तांडव काटा, जिससे डॉक्टरों ने डरकर पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी को हिरासत में ले लिया। घटना शुक्रवार देर रात बताई जा रही है। डॉक्टर रूपेश जायसवाल ने बताया कि कस्बा निवासी असलम नाम का एक युवक सड़क दुर्घटना में घायल हुआ था, जिसे सीएससी सलोन लाया गया था। घायल युवक के साथ लगभग आधा दर्जन लोगों ने शराब पी रखी थी। मरीज को देखने के दौरान हालत गंभीर दिख रही थी, इसे तत्काल इलाज की जरूरत थी, लेकिन नशेड़ी युवक घायल के इलाज करने के दौरान डॉक्टर और स्टाफ से बदतमीजी पर उतारू हो गए। इस दौरान आरोपी युवकों ने अशब्द कहना शुरू कर दिया। वहीं दो तीन युवक बाहर निकलकर डॉक्टरों को गाली देने लगे, जिसके बाद मौके पर पुलिस को बुलाना पड़ा। डॉक्टर रूपेश ने बताया कि घायल युवक को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया था। थाना अध्यक्ष पंकज त्रिपाठी ने बताया कि रात में सीएससी सलोन के डॉक्टरों ने सूचना दी कि कुछ अराजक तत्व अस्पताल के अंदर हंगामा काट रहे हैं, जिसके बाद मौके पर फोर्स भेजकर आरोपी अजय पासी, बलराम, धर्मेंद्र, सुनील, वीरेंद्र कुमार को हिरासत में ले लिया गया। शनिवार को सभी अभियुक्त को 151 की धारा में जेल भेज दिया गया। S7 के लिए प्रदीप की रिपोर्ट।